राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी आज जयपुर पहुंचे। जयपुर में उनके द्वारा आमसभा का आयोजन किया गया। इस आमसभा में शामिल होने के लिए अजमेर से हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं बसों के द्वारा जयपुर के लिए रवाना हुए। इस मौके पर अजमेर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के समर्थक और कांग्रेस के कार्यकर्ता जयपुर के लिए रवाना हुए, जहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और सोनिया गांधी द्वारा आमसभा को संबोधित किया गया। आई पार्टी द्वारा कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से महा रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब और प्रदेश के जो है गहलोत साहब, पायलट साहब, आपके रंधावा जी, डोटासरा जी और चुल्ली साहब, ये सब भाग लेंगे। अजमेर जिले से कार्यकर्ताओं बहुत जोश खरोश है और करीबन 1000 कम से कम 1 से 3 हज़ार, हाँ दूध को मिलाए तो करीबन 5000 लोग जाएंगे। धन्यवाद। क्या है रैली में? क्यों रैली में कांग्रेस का घोषणा पत्र पर प्रकाश डाला जाएगा और कांग्रेस का घोषणा पत्र वापिस वही कांग्रेस के स्वर्णिम काल में जो है गांव, गरीब, दलित, व्यापारी को जो लाभ पहुंचाते हैं, महिलाओं को, उन्हीं योजनाओं का जिक्र किया गया। बीजेपी जो है बोल रही अब की बार 400 के पार, क्या मिल पाएगी? वो तो बीजेपी, मैं क्या कहूँ, पूरा देश ही चिल्ला रहा है कि 200 भी पार नहीं होंगे, पड़े पड़ेंगे। ठीक है, लफेबाजी लंबी नहीं चलती, जुमलेबाजी लंबी नहीं चलती, काम मांगता है आम मतदाता, काम मांगता है। जैसे इंदिरा जी ने काम किए थे, आज भी लोग याद रखते हैं। सोनिया जी ने मान्य रहेगा किसने चलाई, सोनिया जी ने चलाई। राइट टू इंफॉर्मेशन किसने लागू किया, सोनिया जी ने किया। राइट टू एजुकेशन किसने लागू किया, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल 5 वादे उस समय किए थे, इनका एक भी अभी पूरा नहीं हुआ। जितने इन्होंने जुमले, मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा प्रतिवर्ष, 15 लाख खाते में डालूंगा, MSP लागू करूंगा, मतलब रामस स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार किसान की आय दुगनी करूंगा, ये सारे जुमलाबाजी हो गए। ठीक है ना, अब इनकी हकीकत आने वाली, 26 तारीख को वोट पड़ जाने दो, फिर आप खुद ही कहोगे 200 नहीं आएगी, अभी तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। आज अजमेर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की जो आज जयपुर में विद्येंद्र नगर स्टेडियम में बहुत बड़ी सभा है, जिसके अंदर जो हमारी गारंटी है, राहुल गांधी जी गारंटियां जो दे रहे हैं लोकसभा चुनाव के अंदर, वो गारंटियों का आज विमोचन भी है। साथ ही अजमेर से हमारे लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र जी चौधरी जी के नेतृत्व में, हमारे शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में, वे युवा कांग्रेस के नेतृत्व में, युवा कांग्रेस की संपूर्ण कार्यकारिणी के साथ में पूरी टीम आज जयपुर जो सभा है उसमें सम्मिलित होने के लिए जा रही है अपने अपने साधनों से। साथ ही मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का आभार भी व्यक्त करता हूँ कि अजमेर के अंदर जो कम से कम इतने सालों से, 30 से 40 सालों के अंदर अजमेर के अंदर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र जी चौधरी जी का जो टिकट देके आज अजमेर की जनता को आने वाले दिनों के अंदर 25 साल से जो अजमेर का विकास रुका पड़ा है, लोकसभा के क्षेत्र में जो विकास अजमेर का रुका पड़ा है, उसको रामचंद्र जी को टिकट देकर आगामी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में जो जीत हासिल होगी रामचंद्र जी को, उस जीत के बाद में जो अजमेर के विकास कार्यों को जो गति मिलेगी, उसी के लिए मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही अजमेर की युवा कांग्रेस टीम आगामी दिनों के अंदर मजबूती से पूरी कार्यकारिणी के साथ में रामचंद्र जी चौधरी जी को हजारों मतों से विजयी बनाएगी। मोहित मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष अजमेर युवा कांग्रेस। आज विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में जो आगामी लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र तैयार किया है, उसको लॉन्च करेंगे हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब और हमारी राष्ट्रीय नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी। उसको लेकर पूरे राजस्थान से कांग्रेस जन जयपुर विद्याधर नगर स्टेडियम रैली में जा रहे हैं। इसी क्रम में अजमेर से भी हमारे अजमेर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय रामचंद्र जी चौधरी और अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष विजय जैन जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में यहां से कांग्रेस जन अपने अपने साधनों से जयपुर पहुंच रहे हैं। इस रैली को लेकर स्थानीय कांग्रेस जनों में भारी उत्साह है और विशेष बात यह है कि इसके लिए पार्टी की ओर से और उम्मीदवार की ओर से कोई साधनों की व्यवस्था नहीं की गई है। जो भी हमारे पदाधिकारी, जो भी कार्यकर्ता जा रहे हैं, सब अपने अपने साधनों से इस जयपुर रैली में भाग लेने के लिए जा रहे हैं और निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव में इस बार 10 साल का रिकॉर्ड टूटेगा और अजमेर लोकसभा क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय रामचंद्र जी चौधरी, जन जन के नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो निश्चित रूप से अजमेर लोकसभा क्षेत्र से देश की संसद में अजमेर का प्रतिनिधित्व करेंगे। शैलेंद्र अग्रवाल, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी अजमेर।
फिर।